इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up, everybody? You're watching Student Coverage. This is Arshikan, and in this video, I'm going to talk about BTech in Electrical Engineering. As a BTech aspirant, you must know कि आप जिस कोर्स में जाना चाह रहे हो वो होता क्या है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या करिकुलम होता है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पे मिलने वाला है इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो अगर मैं शुद्ध मेरी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हो। इसमें आप कई सारी चीजों को डिजाइन करते हो, बनाते हो, भले वो हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात कर लें या फिर हम कंप्यूटर चिप्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर्स की बात कर लें, स्पेस क्राफ्ट की बात कर लें, ये सारी चीजें यू नो, भले वो रोबोटिक्स हो, जियो साइंस हो, यू नो लाइक अगर हम बात करें फॉर फेरो इलेक्ट्रिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन, इनका यू नो ऑटोमेशन या फिर इसके बारे में आप पढ़ाई करते हो। 4 साल का कोर्स होता है, 12th के बाद आप इसको कर सकते हो। एलिजिबिलिटी मिनिमम 50% होना चाहिए 12th के अंदर। एंड अगेन ये एलिजिबिलिटी कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, जैसे कि अगर आपको IITs NITs में जाना है तो उसके लिए यू नो मिनिमम एलिजिबिलिटी 75% 12th में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। इस साल थोड़ा सा एक्सेप्शन है ड्यू टू कोविड, अदरवाइज यू नो आपका मिनिमम 75 होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। एग्जामिनेशन लाइक मेंस एडवांस बैंगलोर के लिए कॉमेट का, KCET का कर्नाटका के लिए, यूपी के लिए UPSEE का एग्जाम, महाराष्ट्र के लिए MHCET का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए जैसे BITSAT का एग्जाम होता है, VIT का होता है, SRM का होता है, मणिपाल का होता है, ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। डिपेंडिंग अपॉन आप किन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से आप दे सकते हो। एवरेज जो फीस होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000 गोज टू 4-5 लाख रुपीज ईयरली डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज। उसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज सैलरी की कि इस कोर्स में एवरेज सैलरी कितनी रहती है, तो एवरेज सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 3 लाख एंड गोज टू 10-12 लाख रुपीज, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। पोजिशंस इलेक्ट्रिकल मैनेजर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंजीनियर आप ये कर सकते हो। और अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर्स की तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, इवन रेलवे में, गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत स्कोप है इस स्पेशली इस ब्रांच का, जैसे कि एनर्जी एंड पावर सेक्टर की बात कर ले, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात कर ले, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट की बात कर ले, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ की बात कर ले, ये सारी यू नो कंपनीज जो हैं वो इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। अब अगेन ये एक ऐसी फील्ड है जो ऑटोमेशन पे यू नो जो कोर ब्रांचेस में आती है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेफिनेटली है, गवर्नमेंट सेक्टर्स की भी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी, एंड ऑल इन ऑल यू नो लाइक अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। अब लाइक हम बात कर ले टॉप कॉलेजेस की, तो ऑब्वियसली टॉप कॉलेजेस में IIT बॉम्बे, यू नो IIT दिल्ली, IIT पटना, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, NIT वारंगल, ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट चाहता है। NIT रौरकेला हो गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में VIT हो गया, मणिपाल हो गया, BITS पिलानी हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट अगेन जिस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल के लिए प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा है प्लेसमेंट से ज़्यादा, वो आपको चूज़ करना चाहिए। मिकलस बताऊँगी जिसमें मैं आपको कौन कौन से कॉलेजेस आप किस किस रैंक पर टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए यू नो आपको चैनल पर बने रहना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए ये देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें आप लाइक फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, वेक्टर कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल एजुकेशन के बारे में, यू नो वर्कशॉप आपको मिलती हैं, डिजिटल सिस्टम, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हो, साइंस इलेक्टिव के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट लैब्स के बारे में पढ़ते हो, साइमल्टेशन लैब एंड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के बारे में, इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एनालॉग कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडी, डिजिटल कम्युनिकेशन, VLC डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है 4 साल के कोर्स में। मतलब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो। अगेन सिर्फ 4 साल पढ़ाई करोगे अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अगेन यही सजेस्ट करूंगी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लो, इंटर्नशिप करो, हैंड्स ऑन कैसे अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हो वो सारी चीज़ें देखो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कई सारे स्टूडेंट्स इसको करने के बाद इवन यू नो मास्टर्स भी प्लान करते हैं अब्रॉड से, इवन MBA के लिए भी कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। कई सारी प्रोफाइल है, जैसे कि अगर आप सीनियर इलेक्ट्रिकल मैनेजर बनते हो इनिशियल सैलरी 6 लाख की होती है, अगर आप मेंटेनेंस इंजीनियर बनते हो इनिशियल सैलरी 4 लाख की होती है,
आपको पढ़ाने का शौक है, आप एज अ लेक्चरर भी बन सकते हो, आप रेलवे में जा सकते हो. यू नो रेलवे में कई सारी प्रोफाइल्स रहती हैं, यू नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की, मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. ऑल इन ऑल यू नो अगर आप एज अ करियर चूज कर रहे हो तो दिस कैन बी अ क्वाइट गुड ऑप्शन. सो दिस वॉज अ वीडियो ऑन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. कोई भी क्वेश्चन बचा है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम उन सब पे वीडियोस बनाएंगे, भले वो जोसा काउंसलिंग हो, स्टेट लेवल काउंसलिंग हो, तो उसके लिए आपको चैनल पे बना रहना पड़ेगा. अगर आप कॉलेजेस अच्छे चाह रहे हो, आप कोई भी स्टेट लेवल काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हो, जिसमें आपकी हेल्प करता है काउंसलर आपके ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए. सो दिस वॉज इट. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन. कोई भी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल देन सी यू. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.